गाइस देखो यार, ये वाली पतंगे है वैसे मैं जो लेकर आया था उड़ाने के लिए, और बहुत बड़ी पतंग है। छोटी लग रही है करण भाई? ये नहीं, बड़ी तो है भाई। छज्जा बोलते हैं इसको, छज्जा। ये बड़े वाला छज्जा भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सभी यार? तो गाइस अभी हम ना आए थे छत पर, और ये देखो यहाँ पर चल रहा है करण भाई का योगा, बढ़िया वाला। तो भाई इसको योगा वोगा का तो ज्यादा पता नहीं है, तो कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भाई। बाकी यार आज तो कहीं जाने का मूड कर नहीं रहा था मेरा भी, मैंने सोचा भाई चलो आज घर पे व्लॉग बनाते हैं। बाकी मॉर्निंग का टाइम हो रहा, मौसम काफी ज्यादा बढ़िया हो रहा, ठंडा ठंडा हो रहा भाई पूरा, और आसपास भाई हरियाली देखकर तो वैसे ही बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है। ओ वेक के प्रवा लताना तड़ा भाई तू वे भाई, अगर करना है तो थोड़ा नीचे जाना, इसको कम से कम 90 डिग्री तो बना। गुरु होगा ना तो लाते पक्का टूट ही जाएंगे। कह रहा भाई मेरे जैसा गुरु होगा पक्का टांगे टूटे। नहीं यार इतना कि तो हमें भी पता है गाइस, ऐसी कोई बात थोड़ी है। बाकी गाइस आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि शाम को हम उड़ाएंगे पतंगे, और भाई साथ साथ पेचे वेचे भी लड़ाएंगे। आसमान में काफी पतंगे उड़ती है, तो भाई यहाँ की हवा रही तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। बाकी देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं, बने रहना भाई। तो गाइस अभी फिलहाल आ चुके हैं हम गली के अंदर, और ये देखो हमारा काका भी यहाँ पर। भाई आज हम इसको वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं, इसकी ना वैक्सीनेशन नहीं हुई थी काफी टाइम से, तो अभी अतुल भाई और भी आ रहे हैं गाड़ी निकालने। बट ये देखो भाई अभी गली के अंदर कीचड़ वीचड़ हो गया, बारिश तो बहुत ज्यादा पड़ रही है आजकल। क्यों काके पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, बारिश नहीं पड़ रही। तो गाइस फिलहाल यार अभी इसकी वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं। अभी तो बहुत ज्यादा ना ये मतलब अभी मजे ले रहा था जब कैमरा ओपन नहीं था। बाकी भाभी कह रहे थे कि अभी तो आवाज निकल रही है, इंजेक्शन लगने के टाइम पे पूछेंगे इससे भाई। और यहाँ पर भाई साहब हमारे प्रोड्यूसर साहब भी, ये देखो भाई ये लड़का बड़ा खुश हो रहा है, इसको पता नहीं हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। इसको भी ऐसी जगह पे लेके जाएंगे ना, हाँ जहाँ पे इसको जाके नानी याद आ जाएगी। वाकई में भी वही क्या कर रहा है ये देखो भाई, स्टंटमैन बन रहा भाई। भाई वैसे भी ना ये ना कोई भी केमिस्ट की दुकान है वो वाली दुकान देखता है ना तो रोने लग जाता है, अभी इसको पता नहीं है। बाकी इसके जूते कितने प्यारे लग रहे हैं ना यार। चलो भाई अभी फटाफट से चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फिलहाल निकल चुके हैं घर से यार, और यहाँ पर देखो अपनी पीपी दिखाएं, काके पीपी पीपी दिखा दे पीपी। गाइस ये देखो अपनी गाड़ी साथ लेकर चलता है। बाकी चलो भाई अभी हम भी निकले हैं घर से, और हमारी भाभी जी भी साथ जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। चाहे रावी को इंजेक्शन लगना हो चाहे किसी को भी, भाभी जी साथ जाते हैं। इस मामले में दलेर है, अब भाभी ट्रेंड हो गए हैं भाभी जी। अरे वाह, अब तो भाई कैमरे के सामने आवाज नहीं निकल रही, पीछे से भाभी ओए पागल के बच्चे। और नहीं भाभी ऐसे भी नहीं वो यार, देखना भाभी यार आपको बताओ बदनाम करते हैं कहाँ का। और गाइस यहाँ पर देखो बूंदा पानी भी होने लग गई है, तो ये देखो बारिश पड़ रही है पूरी की पूरी शीशे के ऊपर। सावन आ गया, उस सावन आ गया। वैसे गाइस मैं एक बात कह रहा था तुल भाई को, मतलब कल से सावन चालू हुआ है और कल से देखो बारिश हो रही है। हमारा हिंदू कैलेंडर इस मामले में बढ़िया नहीं, वैसे इंडियन कल्चरल कैलेंडर जो हमारा कैलेंडर में तो देखो कंप्लीट डिटेल्स ही है पहले से, आज से थोड़ी है। युधिष्ठिर के टाइम से पूरी एक एक चीज भाई, जब तक नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी भी नहीं बताती थी ना ग्रहण लगेगा चांद को इतनी तारीख को। अरे ये तो बहुत, ये तो बहुत फिर भी बड़ी बात है। आप ये लगा लो 16th सेंचुरी में तक ये नहीं पता था कि दुनिया गोल है या पृथ्वी के आसपास सब कुछ घूमता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर तब भी देख लो भाई, बस वही है तो मैं पता, फिर प्रचार गलत हो जाए तो फिर विचार गलत हो ही जाते हैं। ये बात तो खैर है यार। बाकी ये है कि भाई अभी बारिश आ रही है बढ़िया वाली, और काके को भी पता नहीं है, अभी इसके साथ इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं हम, अभी फुल मजे से खेल रहा है, इसको लग रहा है मेरे को घुमाने लेकर। ये लगा लो ये ना, जब अगली बार जूते पहन के बाहर नहीं निकलेगा, इसको ये लगेगा टीका ही लगने जा रहा है। वाकई में बड़ा खुशी होके निकला भाई जूते वूते पहन के, देखो भाई। तो गाइस अभी फिलहाल यार हम रुके हुए हैं यहाँ पर, अतुल भाई गए हैं एटीएम वहाँ से पैसे वैसे निकलवाने डॉक्टर साहब की फीस के लिए। और ये देखो यहाँ पर हमारा काका, ये कह रहा भाई आज गाड़ी चलाऊंगा। की कह रही काके? पीपी पीपी चलानी है। बाकी गाइस देखो बारिश भी कितनी ज्यादा मजेदार हो गई है भाई, ये देखो बहुत तेज तेज बारिश पड़ रही है भाई। हो सकता है कैमरा के अंदर इतनी विजिबिलिटी ना हो, अभी थोड़ी देर में यहाँ पानी वानी भी भर जाएगा, लेकिन नहीं भरेगा अब तो वो है भर जाता ना तेज आने पे। भरने को तो देखो कहीं भी भर जाता, भर तो अपनी घर की छत पे भी भर जाता पानी। हाँ ये बात तो सही है भाई, लेकिन देखो यहाँ पर, और ये कुछ बाइक वाले हैं भाई यहाँ पर रुक गए इस चक्कर में कि भाई स्टैंड पे रुक जाएंगे, थोड़ी देर बारिश स्लो होगी फिर उसके बाद निकल पाएंगे। बाकी जो जाम वगैरह लगते हैं ना बारिश वगैरह में, इसी चक्कर में लग जाते हैं। मतलब अब तुम्हारे चक्कर में बंदे भले भीग जाएं, जाम ना लगे बंदे भीग जाएं। नहीं यार मैंने ये यार गाइस हर बात को ना उल्टा ही लेता है, मतलब मैं इसे जनरल बात कर रहा हूँ कि हर चीज के पीछे को रीजन होता है इसलिए ऐसा होता है। बाकी हमें तो बारिश को एंजॉय करना है, एंजॉय कर रहे हैं मजे से भाई। और गाइस यहाँ पर देखो हमारे प्यारे भारत का झंडा अगर आपको विजिबल हो रहा हो थोड़ा सा भाई, इतनी तेज बारिश हो रही है लेकिन झंडा फिर भी बिल्कुल सीधा है, बॉल के साथ चिपका नहीं, ये बहुत अच्छी लगी है भाई। भाई साहब झंडा किसका है? इंडिया का। वाकई में यार ये देखो भाई पूरा लहर रहा है, ये चीज अच्छी लगी गाइस।
भाई सभी फिलहाल पहुंच चुके हैं हम पश्चिम विहार और अभी लेकर चलते हैं काके को अंदर। 1 बजे का टाइम होता है भाभी यार, हम तो बताओ अभी 1 तो बजा हुआ है, अभी हम पहुंचे हैं। क्या होगा डॉक्टर, चलो देखते हैं। वैसे जैसे भी है अभी इसको इंजेक्शन लगवाते हैं और इसको भाई अभी उठाकर लेकर चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई। तो गाइस फिलहाल यार अभी लगवाए हैं काके को इंजेक्शन बाहर जाकर डॉक्टर की दुकान से। और ये देखो भाई काके पियो इसे तेरे, देखो भाई अभी कितना खुश लग रहा था और अब इसका देखो कैसे मुंह बना हुआ है। कितने लगा सी दस दे, कितने लगा सी इंजेक्शन? ओ कितने लगा जी काके? यहाँ लगा था, देखो बता रहा गाइस यहाँ पर लगा था। अच्छा फिर भी भाभी सहन शक्ति है, मेरे को लग नहीं रहा था कि चुप हो जाएगा जल्दी, बट चलो अभी तो 3-4 घंटे बाद जब थोड़ा थोड़ा दर्द चालू होता है, बुखार चढ़ता तो थोड़ा बहुत पता लगता है, बट चलो भाई फिर भी ब्रेव बच्चा भाई हमारा, चलो ये बात तो है। बाकी यार अभी इंजेक्शन वगैरह लगवा लिया अतुल पाजी, अब घर चल रहे हैं फिर सीधा? घर चल रहे हैं बिल्कुल। कह रही यार यहाँ पर पता क्या, ये ना देखो बारिश वारिश बहुत ज्यादा हो रखी है भाई, दिख नहीं रही लेकिन एक्सट्रीम लेवल वाली बारिश हुई है आज, तो अभी घर चलते हैं, घर चल के बढ़िया खाना पीना भी खाएंगे। और ये देखो कुछ भी हो गया भाई साहब। तो गाइस अभी फिलहाल आ चुके हैं हम घर पर यार, और अभी काके को यहाँ पर उतारते हैं, लेकिन यार एक ना ट्रेजेडी हो गई है। करण भाई बताना यार क्या हुआ, पापा स्कूटी से गिर गए ना अभी। भाई रेनी सीजन चल रहा है ना और 2-व्हीलर है, और मेरे को पापा का भी पता है, पापा गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं। पापा पता है क्या कह रहे हैं, मैं तो तेज चला ही नहीं रहा था। मैंने कहा भाई फिर मार्केट में सारी गाड़ियां गिरी होंगी। अरे मैं यही चीज कह रहा था, मतलब ना ये चीज कई दिनों से ना बोलते हैं बाहर स्कूटी लेकर निकलो तो इतनी धीरे चलाओ कि ब्रेक लगाने की भी जरूरत ना पड़े एक्चुअल में। मैं तो एक ही तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शन की बात बता रहा हूँ कि अगर ये तेज नहीं चला रहे थे तो तुम बाहर जाके देखो सारी रोड पे गाड़ियां गिरी होंगी। ये देख लो यार, अरे हंसी मजाक अपनी जगह लग गई यार। लेकिन यार मुझे भी दुख है, लेकिन अपने ये चीज सोचना चाहिए, भगवान ना करे फ्यूचर में कहीं ज्यादा ना लग जाए, इसीलिए धीरे चलाओ भाई। तेनू कनुआ साम दे ओए थोड़ी जी पता क्यों कह रहे डैडी, तुहाडे वास्ते अगे वास्ते भी थोड़ी स्लो चलाया करो, स्पीड बहुत ज्यादा तेज हुंदी आ। मैं कह रहा हूं 20 दी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है स्कूटर ते, फिर इथे तुर के जाया करो कि फिर फिर कह रहे कि फिर तो तुर के फिर तो चल के ले आओ, फिर काहे की जरूरत है स्कूटी की। तो गाइस फिलहाल यार अभी यार देखो हंसी मजाक तो घर में चलता रहता, मेरे भी चोट लगी थी ना बड़ा हंसते थे, ये तो हमारे पापा चलो शरीफ है, इनको डंडा लेके पीटते नहीं है। खैर भाई अभी आ चुका है खाना का टाइम और अभी बना है हमारे घर पे ये है भाई, क्या बना मम्मी? तोरी। ये काली तोरी है। काली तोरी है तो भाई काली तोरी है, साथ में खीरे काटे हैं। अभी फटाफट से खाना पीना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल खाना पीना हमारा मस्त कंप्लीट हो चुका है यार। बाकी यहाँ पर देखो मैं अतुल पाजी को देख रहा था, बना क्या हुआ ये देखना, फुटबॉल प्लेयर बना हुआ पूरा, जैसे फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। अभी फुटबॉल नहीं खेलने जा रहा मैं, बाहर ना बारिश आ रही है। अच्छा तो बारिश में मैं कुत्तों को कच्चे बनाने जा रहा हूँ। अच्छा कुत्तों को कच्चे बना, ऐसे कौन कुत्तों को कच्चे बनाता भाई? तो भाई खुद भी तो पहनना पड़ेगा। देखना बुल लिखकर कुत्तों को वो लिखा भी शिकागो हुआ, मेरे को लग रहा है फुटबॉल वाली ड्रेस जो इसको नाइट सूट समझा कर बेच दिया भाई। और गाइस यहाँ पर देखो बाप बेटे को दोनों को, ये देखना है कैसे ये क्या है, इसको ना बैट बॉल का इतना भूत चढ़ा हुआ है। ये देखो एक हाथ में इसने कर लिया, एक हाथ में अच्छी बड़ी जिराब की जोड़ी, जिराब की जोड़ी फाड़ दी है। देखो ये हाल करा है, ये तो इसके काम है। ये बना क्या हुआ तू है, ये बना क्या हुआ है? कोई बात नहीं हम तो। तो गाइस अभी फिलहाल हम आ चुके हैं छत के ऊपर यार, और देखो यार बारिश हो रही है भाई, अभी तो मतलब दिख नहीं रही लेकिन अगर आप देखो ना ड्रॉप्स पड़ रही हैं, तो आज तो पतंग का मेरे को लग नहीं रहा प्लान कुछ बनेगा। बाकी तो देखते हैं अगर थोड़ी देर तक ठीक हो गई, क्योंकि अभी 6 नहीं बजे हैं, क्या पता 6 बजे तक ठीक हो जाए। वहाँ पर वैसे एक छोटी मोटी पतंग उड़ रही है पन्ने की, बट यार देखते हैं अगर ठीक हो जाए, माहौल तो बहुत अच्छा है, एक वहाँ पर भी उड़ रही है तो फिर उड़ाएंगे अगर यहाँ पर ठीक हुआ तो। तो गाइस फिलहाल यार अभी ना यार देखो पतंग वतंग उड़ाने का प्लान तो भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो दीपू जो अपना घर बना रहा है ना, तो ये नई लाइटें लेकर आया, कहाँ से लेकर आया भाई ये? भगीरथ पैलेस, फिटिंग का सामान है। फिटिंग का सामान है, लाइटें वाइटें भी है क्या इसमें? हाँ लाइटें हैं। चलो दिखाइयो हम भी देखे भाई कैसी लाइटें लगी है। क्यों भाई सही नहीं कह रहा? हाँ बोल रहा है, कह रहा 50,000 का सामान 25,000 में लेकर आया हूँ। ये तो तब पता चलेगा जब 6 महीने गुजरेंगे कि सच में 25,000 का लाया गया। 10 साल की गारंटी और हर स्विच की लाइफ टाइम वारंटी। अच्छा बोला बिल दिखा कहाँ पर है, 10 साल की वायर है, 10 साल की वायर गारंटी का बिल है यार। हद होगी कि क्या बात है, हद तो नहीं है, मतलब नहीं है ना। अरे नहीं बात जुबान की कीमत होती है, जुबान। ये बात तो सही कह रही है, जुबान की कीमत। लेकिन वो 10 साल कब से स्टार्ट होंगे उसकी डेट। सही बात। चलो हंसी मजाक तो अभी अपनी जगह है, बाकी देखते हैं इसके अंदर क्या है यार। गाइस जब तक दीपू से देखो ये रस्सियां वस्सियां खोल रहा है ना, तब तक मैं आपको पतंग दिखा देता हूँ कितनी बड़ी लाया हूँ, और बहुत बड़ी पतंग है। छोटी लग रही है करण भाई ये? नहीं बड़ी तो है भाई, बोलते हैं इसको छज्जा। ये बड़े वाला छज्जा भाई, और बहुत शानदार है, और नीचे से देखो ऐसा है, उड़ने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा।
तो ये वाली पतंग उड़ाएंगे यार। गाइस देखो यार, ये वाली पतंगे हैं वैसे मैं जो लेकर आया था उड़ाने के लिए, बट बारिश की वजह से उड़ा नहीं पाई कि ये छज्जा भी था मेरे पास। और इसके अलावा ये देखो पाजी यहाँ पर इसको बीच बीच में दोहरे पड़ते हैं। और एक ये वाली पतंग भी थी, तो एक ये भी लेकर आया था, और एक ये हमारा बड़े वाला छज्जा। भाई देखो कितना बड़ा है यार ये पतंगों के सामने ना, काका भी पूरा इसके ऊपर लेट जाएगा ना। तो ये क्या कर रहे हो पाजी बीच में? तो भाई चलो इसको ना अभी साइड में ही रख देते हैं हम पतंगों को, इधर की साइड अलमारियों के पीछे ही रखी जाती हैं पतंगे ताकि यहाँ पर बच कर रहे। गाइस ये देखो ये भी एक चीज लाई। ये क्या चीज है भाई? नहीं मीटर नहीं है ये, मेरे को लग रहा है गुल्लक। कह रहा गुल्लक? गुल्लक नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है ये है। अरे नहीं नहीं रुक जा, ये लाइट के लिए मेरे को लग रहा है मेन कोई वो प्रात तोड़ना दही मेन सोचूं। अरे वोल्ट मीटर लग रहा है मुझे तो, एक मिनट दिखाइयो क्या है। हैवी ड्यूटी चेंज ओवर स्विच, चेंज ओवर आ मेन बत्ती चेंज कर ली, बत्ती चेंज कर ली। अगर कुंडी वुंडी डाली हो ना, अच्छा अगर कुंडी मान ले बंदा कुंडी डाल ले, तो कुंडी डाली हो तो जैसे अचानक से बंदे आ जाए वो कहे तुम्हारा मीटर तो चल नहीं रहा, इसको फटाफट जगह होल कर दो। ओ भाई तू इसके अभी नए नए घर में पहले घर में प्रवेश करना तो कुंडी मतलब वो। भाई ये क्या चीज है दिखाई, फेस चेंज कर ली हुंदा यार ये, वो आ गया हैंडल है इतों बाहर। तो चेंज क्यों करना है यार? कुंडी यार दो होंदे ना, सो की कहंदे एक नंबर दो लाइट आती है ये जो दो मुइयां साहब होते हैं ना, वो दो कुंडियां डाली होती हैं। अच्छा एक उस कॉलोनी में एक उस कॉलोनी में, तो जैसे इस वाली कॉलोनी की लाइट चली जाए तो इस वाली कॉलोनी में चली जाए बच्ची। हां भाई भाई ये उन लोगों के लिए होता है। ओए कौन रुक जा यार, तू क्यों शोर मचा रहा है? किस शोर मचा रहा है तू? ओ ओ भाई रोगे काके, मैं तो बैठ तो चुप करन नु क्या सी तेनू, तू तो खाम का सीरियस। चलो चुप हो गया, अच्छा हुआ अब थोड़ी देर को इन्हें उसकी आवाज कम हो गई। अच्छा आवाज कम हो गई अब तो कुंदक वाला रो रहा है, इसको कोई दर्द थोड़ी हुआ ओ भाई साहब। और आ गई है दीपू चीज, आ गई चीज है दीपू। अच्छा जितना दबिया बटन एक बार आ गया, बाहर नहीं आएगा। नहीं क्यों नहीं आ रहा? बाहर ही थे आकी आ बाहर नहीं तो इतना नहीं तू क्यों क्या बाहर नहीं आएगा? दोनों आप तो कह रहे ना बाहर आंदा है, इतना तो हड्डा भी अंदर रहता है तो कोई नहीं बाहर तो रहता ही है ना। बाहर वाला कह रहे तू तो बाहर आ रहा वाले ले। अरे कुछ नहीं है, इसको सेल मारी है वहाँ पर, ये देखो जी बाहर नहीं आता ये अंदर रहता है बस, इसीलिए 70 रुपए महंगा है इसका, 70 रुपए डिब्बा महंगा है। सस्ता ही है तो सस्ती चीजें लगवा रहा तू तो सस्ती चीजें लगवा रहा है इसका मतलब तो गाइस फिलहाल अभी हम जाने लगे हैं मंदिर। और ये देखो अतुल पाजी ने भी गाड़ी निकाल ली है, बाकी ये देखो भाई पानी पानी भर गया है। ये हाल आपके वहाँ पे बताना है, ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा है पाजी? और ये देखो यहाँ पर क्या हाल चाल पाजी, बढ़िया देखते ही आ गए आप तो है। हाँ ये कैसे हो बच्चों, बढ़िया? बड़े दिनों के बाद आया हो नीचे यार, वो भी बस आ गया, पूछो मत। ये पानी कितना भरा हुआ भाई, है ना? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, रोड पर देखा था मैंने इससे भी ज्यादा था। तो गाइस फिलहाल यार अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और मैं आपको बता रहा था कि अभी हम जाने लगे हैं मंदिर, और मंदिर जाके माता वाता देखते हैं। भाई पतंगों वतंगों का प्लान तो कैंसिल हो गया, लेकिन इस बार बढ़िया 15 अगस्त मनाएंगे। अतुल भाई आग लगा गई यार ये तो 15 अगस्त क्यों, क्या हो गया? क्या बारिश आ गई, क्या 15 अगस्त? अरे तो आज थोड़ी है 15 अगस्त, अभी तो पूरा महीना यार, अभी से ये हाल है भाई, तब तक तो कोई पता नहीं है क्या हो गया। अच्छा तब तक बाढ़ आ जाएगी है? बाढ़ आ गई तो आ गई, क्या करेंगे यार, बस बारिश नहीं आनी चाहिए, बाढ़ आ जाए कोई दिक्कत नहीं, वो नीचे आएगी। अच्छा आसमान के अंदर बारिश नहीं आनी चाहिए गाइस। गाइस असल में क्या हुआ ना, ये 2 दिन पहले बेड से गिर गया तो इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो गाइस अभी फिलहाल निकल चुके हैं घर से, और देखो काके ने भी हमें डंडा देकर भाई ये डार्क फैंटेसी भी ले ली। दूध की बोतल कहाँ गई इसकी? दूध की बोतल भी ली थी ना, भाभी दिखाना। ये देखो यहाँ पर दूध की बोतल भी ले ली इसने भाई, तो ये भाई बहुत जिद करता है आजकल। अब ये देखो अभी ये कह रहा है दूध की बोतल दो। हाँ पुत्र दे दो, भाभी दे दो। भाई साहब यही हाल है भाई इसका, ये आजकल ना ऐसे ही करता है, तंग बहुत करता है भाई। तो गाइस फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं मंदिर, और पीछे काका भी वेट कर रहा है कि मैं कब टेक लूं और इसको उठाऊं। तो अभी यार फटाफट से मंदिर में माथा टेक कर आते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर। वैसे तो फटाफट से क्या, आराम से टेक कर आते हैं, बट आपके लिए फटाफट से मतलब नेक्स्ट सीन में ही आपको पता लग जाएगा माथा टेक आया है। बट यार मंदिर में आके जो सुकून मिलता है ना उसकी तो बात ही क्या है। चलो फटाफट से मंदिर में माथा टेक कर आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी मंदिर से आ चुके हैं वापस। तो गाइस अभी फिलहाल आ चुके हैं किचन में, आज बने हैं व्हाइट चने। सो गाइस ये था आज का पूरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फटाफट से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो भाई, और ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे। बाकी अभी आगे पतंगों का सीजन है, तो भाई आज तो बारिश पड़ रही थी आज नहीं उड़ा पाए, बट आने वाले व्लॉग्स के अंदर काफी सारी बढ़िया बढ़िया मार्केट्स भी विजिट करेंगे, साथ साथ बढ़िया बढ़िया पतंगे भी उड़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।